ये वो जादुमय शब्द हैं जो हर हिंदू परिवार के घर में, हर मंदिर में, हर धार्मिक समारोह में गाए जाते हैं। भगवान की मूर्ति कोई भी हो, पर आरतियों के संग्रह में ओम जय जगदीश हरे सबसे ज़्यादा गाई जाती है, सुनी जाती है। इसके शब्द कानों में रस घोलने वाले हैं। क्या आप जानते हैं इस आरती के रचयिता कौन थे, किसने ये आरती लिखी? तो इसका उत्तर है पंडित श्रद्धा राम फिलौरी जी ने लिखी। पंजाब के जलंधर जिले में लुधियाना से 15 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा गांव है फिलौर, जिसमें इनका जन्म हुआ। फिलौर से ही इनका नाम फिलौरी पड़ा। इनका जन्म 30 सितंबर 1837 को पिता जयदयालु और माता महताब के घर हुआ। इनका परिवार घर घर जाकर गांव-गांव में लोगों को इकट्ठे करके महाभारत और रामायण की कथा सुनाता था। इनके परिवार में धार्मिक माहौल था। इस प्रकार इनके परिवार का माहौल श्रद्धामय होने के कारण इनके जीवन पर विष्णु भगवान का बहुत असर हुआ। ये विष्णु भगवान के उपासक बन गए। इन्होंने 10 वर्षों की आयु में ही 7 भाषाएं सीख ली, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी में इन्होंने महारत हासिल की, और वहीं इन्होंने ज्योतिष विद्या भी सीखी। आप गांव-गांव में जाकर महाभारत और रामायण की कथा सुनाते, लोग बहुत खुश होते आपकी कथा सुनकर, और धीरे धीरे आपका नाम पंडित आगे लग गया, पंडित श्रद्धा राम फिलौरी हो गया। क्योंकि उस समय पंडित एक ज्ञानवान व्यक्ति को कहा जाता था, पंडित की उपाधि होती थी जो आपको प्राप्त हो गई। इस प्रकार आपने इशारों ही इशारों में गांव वालों को आज़ादी का महत्व बताया, और इशारों ही इशारों में अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठा होने की प्रेरणा दी। इसीलिए आपसे ब्रिटिश अंग्रेज सरकार दुखी हो गई। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों को प्रेरणा देने के कारण आपसे ब्रिटिश हुकूमत नाराज हो गई, जिसने आपको 1865 में आपके गांव से निकाल दिया, गांव निकाला दे दिया। आप सुनसान मंदिरों में रह जाकर रहने लगे। उन मंदिरों में आपने वहां विष्णु भगवान की पूजा अर्चना की, और विष्णु भगवान के वंदन के लिए सुंदर सरल शब्द ढूंढे। इन सुंदर सरल शब्दों से आपने ओम जय जगदीश हरे आरती लिखी, और आरती लिखी नहीं, इसको संगीत में लय में भी बद्ध किया, और इसका पंजाबी उच्चारण भी किया, पंजाबी में अनुवाद भी किया। श्रद्धा राम फिलौरी जी ने केवल आरती ही नहीं लिखी, 1866 में आपने सिखां दे राज दी व्यथा एक नामक पुस्तक, पंजाबी पुस्तक लिखी, द स्टोरी ऑफ सिख रूल, जिसमें आपने महाराजा रणजीत सिंह और 10 गुरुओं के बारे में लिखा, और एक किताब लिखी पंजाबी बातचीत, जो आपकी बहुत प्रसिद्ध किताब है। उसमें आपने लोगों के रहन सहन का ढंग, उनके बोलने का ढंग, इसके बारे में लिखा। में दिए गए सहयोग के कारण आपको पंजाबी वार्तक का पितामह भी कहा जाता है। 1888 ईस्वी में आपने हिंदी का एक पहला नावल भाग्यवती लिखा, जिसमें बाल विवाह, भ्रूण हत्या और समाज को सुधार करने वाले विषयों को अंकित किया। ये भाग्यवती नावल बहुत ही मशहूर हुआ, यहाँ तक कि लोग अपनी बेटी को विदाई के समय गिफ्ट देने लग गए, भाग्यवती नावल देने लग गए, जिसमें उसको समाज में, परिवार में रहने की शिक्षा मिलती थी। भाग्यवती उपन्यास के कारण आपको पहला उपन्यासकार भी एलाना गया। महान ज्योतिषी, महान संगीतज्ञ, महान लेखक और महान समाज सुधारक पंडित श्रद्धा राम फिलौरी जी का देहांत 25 जून 1981 को हो गया। उनकी आरती ओम जय जगदीश हरे 150 साल से भी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है।
परंतु आज भी हर हिंदू परिवार में, हर हिंदू घर में सुबह शाम, हर मंदिर में सुबह शाम, हर धार्मिक समारोह के अंत में ये आरती गाई जाती। आरती के नीचे कई लेखकों ने अपना नाम छपवाकर आरती को अपना बताने की कोशिश की है, मगर आरती में शब्द श्रद्धा भक्ति बढ़ावो से पता चलता है कि ये श्रद्धा राम फिलौरी जी को ही दर्शाता है। नई जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राम।